मिल गया। यहाँ इनके बहुत सारे बच्चे हैं। अरे मत खोलो मत खोलो मत खोलो, खराब हो जाएगा। वाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह निकले हैं खेतों की ओर। दोस्तों काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्या है कि बारिश बहुत ज़रूरी था और काफ़ी समय बाद बारिश हुआ है। वैसे 15 जून से स्टार्ट होता है लेकिन इस बार 22, 24, 25 पहुंचा दिया और उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा आया है और अभी अब खेती कर सकते हैं। इतना भी धन सब रोपना था या फिर लगाना था। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इधर आगे का नज़ारा। तो अभी हम थोड़ा सा जा के देखते हैं रजडेरा का भी ऐसे सीन है, तो रजडेरा भी दिखाएंगे आपको, ब्लॉग में बने रहिए। कुछ इस प्रकार से इधर का सीन है और कुछ दिन पहले थोड़े दिन पहले आए थे इधर और घुटना भर पानी था, बहुत काम पानी था और अभी भर गया है। और इधर बच्चे लोग देखने आए हैं, ब्रश वगैरह करने आए हैं, तो हम भी अपना चीज़ ले कर आए हैं इधर, सोच रहे हैं ब्रश कर लें। लेकिन इतना कलरफुल वाटर में थोड़ा सा चेहरा धोने का मन नहीं कर रहा है। का चीज़ मिला यार? ये रहा केकड़ा, केकड़ा मिल गया। बहुत खतरनाक इसका है, इससे काटता है। ले गया। ओह भाई, बहुत डेंजरस था, भाग गया उधर। तो गाइस अभी रजडेरा के नीचे हम हैं, जस्ट नीचे रजडेरा के, और अभी सोच रहे हैं कि हम लोग जाएं उधर थोड़ा आगे तरफ। तो ब्लॉग में बने रहिए, देख सकते हैं इधर से आगे से दिख रहा है वहाँ पर। तो हम लोग किधर किनारे से जाएंगे उधर आगे और वहाँ पर पहुँचेंगे। कहा जी, कहा मिला जी? तो बचवा का खोजने गया उधर। चलो आगे। तो वहाँ पर रजडेरा के एरिया है, पूरा दिख रहा है। हम ऊपर तरफ हैं, इधर ढलान, चढ़ान बोलते हैं इसको। यही एक जगह है जहाँ पर से पानी अपना रास्ता बदल लेता है, नहीं तो ये जो एरिया है, अगर ये जो पहाड़ी जैसे जगह है ये नहीं रहता तो पानी सीधा वहाँ से आके मेरा गांव में चला जाता है। लेकिन यही वो जगह है जिसके वजह से पानी अपना रास्ता बदल के उधर की ओर चला जाता है। तो इसका अहम भूमिका है यहाँ पर होने के लिए और मेरा गांव सेफ है। चलते हैं उधर आगे। तो गाइस फाइनली वो खतरनाक एरिया में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इतने सारे पत्थर। मछली दिख रहा है जी? और देखो मछलियाँ दिखने लगी हैं यहाँ पर। यहाँ तो देखा तो मछलियाँ दिखेंगे, यहाँ से मछली चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, देखो भाई, क्या बाबा दिख रहा है ना मछली। गाइस देखो ये रहा मछली। वाओ वाओ, चलो 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 चलो, आगे चलो, जा जा। फाइनली गाइस जिस जगह के लिए हम लोग सोच रहे थे आने का वहाँ पहुँच चुके हैं। और दो भाई लोग जो था वो लोग गया है जाल लाने, वो मछली फंसाने के लिए। मछली दिखा रहा तो सोचा कि फंसा लेते हैं, तो वो लोग गया है जाल लाने के लिए और हम लोग इधर ही हैं। और अभी दिखाएंगे कुछ मछुआरे लोग को, जो लोग मछली फंसाने आए हैं उनको भी दिखाएंगे। तो चलिए सीन देखते हैं और मज़ा लेते हैं। गाइस ये देखो केकड़ा यहाँ पर है, केकड़ा और नीचे में देख रहे हैं मादा केकड़ा है और उसके नीचे में छोटे छोटे बच्चे होंगे। ओ यहाँ इनके बहुत सारे बच्चे हैं। अरे मत खोलो मत खोलो मत खोलो, खराब हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं इनको और यहाँ कुछ गिर गए हैं छोटे छोटे बच्चे। अपने बच्चों को सेफ जगह में ले जाने की कोशिश में है और काफी अग्रेसिव दिख रही है। जाने दो इसको, जाने दो।
बाय बाय। तो गाइस यहाँ कुछ इस प्रकार का नजारा है, तो इस प्रकार का कुछ सीन है इधर का। और अभी पानी थोड़ा सा घट गया है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो और ही डेंजर दिखता है, लेकिन अभी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक आ सक रहे हैं, नहीं तो यहाँ से पूरा भर जाता है इधर, और यहाँ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी हम लोग खड़े हैं और आगे तक देख सकते हैं, इधर भी जा सकते थे लेकिन नहीं जाएंगे उधर आगे, भाई काफ़ी फिसलन है। गाइस बारिश शुरू हो गया है, बहुत कुहासा वाला बारिश आ रहा है, चलेंगे थोड़ा सा बचने जाते पेड़ तरफ। और इधर बाबू वाले लोग आया है मछली फंसाने, इधर आगे तरफ दिखाएंगे उनका भी। इधर हम लोग आए हैं छोटा सा पेड़ में बसने के लिए, और दो चार पत्ता है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन भी पानी से बचा रहा है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। दो लड़के आए हैं मछली फंसाने, और ये लोग को हम लोग बुला रहे हैं सामने, इधर इधर को ज्यादा मछली है चढ़ने के लिए, इकट्ठा हुए हैं ये सामने वाला में, यहाँ पर घुमरी जैसा हो रहा है वहाँ पर, तो ये आसपास मछली हो सकता है, और उधर भी हो सकता है वहाँ हल्के हल्के पानी में। एरिया में बड़े मछली का रहना संभव रहता है। अपना टीम लोग आ रहा है जाल वगैरह लेके, अपना मछली फंसाने का सामान लेके आ रहा है, तो अभी हम लोग भी फंसाएंगे मछली, देखते हैं कितना फंसता है। तो गाइस अभी हम भी ट्राई करते हैं मछली फंसता है कि नहीं, जाल तो मिला है, फावड़ा जाल ट्राई मारते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच पीस फंसा है जी, और इतना भागे यार। गाइस हम लोग बारिश से बचने के लिए कहाँ घुसे हैं, देखो इधर बारिश हो रही है तो हम लोग इधर घुस गए। ये रहा हम फंसा है मछली, एक एक व्यक्ति के लिए तो पूरा भरपूर है।
दोस्तों आप जा रहे हम लोग घर, काफी मछली फंसा लिए और दे दिए वो लोग को। वैसे इतना सा मछली है, बहुत सारे लोग हैं, वैसे इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग मछली फंसाते हैं, उतना मतलब कोई चस्का नहीं है पहले का। तो हम लोग जा रहे हैं नितेश बाबू के साथ अब घर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से बरसात का दिन मेरा डेरा दिखता है, देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा पेड़ पत्तियों में जान आ गया तो हरा भरा लग रहा है। थोड़ा पानी रहने से ही रजडेरा का सीन जो है, पानी रहने से ही अच्छा रहता है। और बिना पानी का अगर आप आते हैं तो भाई दिमाग का भाजी पला हो जाएगा। तो गाइज अब हम लोग घर जा रहे हैं और काफ़ी अरसे के बाद अभी पानी आया है, तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और देख सकते हैं हरा भरा सब तरफ अब लग रहा है। थोड़ा सा एयर क्वालिटी भी मस्त हो गया है और आंखें भी थोड़ा सा देख रहे तो हरा भरा फुल HD में लग रहा है प्रकृति का दृश्य। तो हम लोग अब जा रहे हैं, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय झारखंड, बाय बाय।